नमस्कार दोस्त साथियों, आशा उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे हैं। दोस्त कहीं ना कहीं दोस्त हम सभी एक किसान फैमिली से संबंध रखते हैं। हम सभी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारी पारिवारिक का जो इनकम है, आमदनी है, आज खेती में जो भी फसल आ रही है एक ऑर्गेनिक आए, स्वास्थ्यदायक आए, हेल्थ के लिए अच्छी हो। दोस्त इसके लिए करना क्या पड़ेगा? दोस्त कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। जितने भी मेरे दोस्त साथी यार होंगे, मैं शंकर चाहता हूँ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जितनी भी ऑर्गेनिक जो फाइटोटॉक्सिन की विशाल रेंज है, होम केयर रिलेटेड हो, हेल्थ केयर रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर हो, दोस्त कलर लाइंस को रिलेटेड हो या ब्यूटी केयर से रिलेटेड हो, हर एक फाइटोटॉक्सिन की ऑल डिटेल आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, जिस ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जिस प्रोडक्शन की मैं बात करूँगा दोस्त, फाइटोटॉक्सिन बैक्टी हिट वायरस जो प्रोडक्शन है दोस्त, इस प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या है, ये प्रोडक्शन किस तरह से हमें यूज़ करना है, किस समय यूज़ करना है, इसकी थोड़ी सी डिटेल जानना चाहेंगे दोस्त। ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हम जो भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, उस खेती बाड़ी करते समय कहीं ना कहीं होता क्या है कि हम ज़्यादातर प्रमाण पे खेती में कई बार हम फसल लगा रहे हैं, मगर ज़्यादा केमिकल आज यूज़ करने की वजह से, ज़्यादा केमिकल की खेती में क्या होती है, ज़्यादा केमिकल का छिड़ावा डालने की वजह से जो भी किसान का फ्रेंड एक अच्छी हुई है, आज मध्य दर पर आप देखा जाए कुछ रेशो के हिसाब से तो उनका प्रमाण बहुत डाउन हो चुका है, और किसान के फ्रेंड है। खेती में उनका रोल क्या होता है, वो किसान के फ्रेंड यूजिंग क्यों कहा जाए, थोड़ा सा एक मिनट में उसके ऊपर बात करूंगा। जो केंचुए होते हैं ना, प्रतिदिन की अगर मैं उनका रेशो के माध्यम से अगर बात करूँ तो खेती में लगभग 15 से 20 बार अप डाउन करते हैं, और अप डाउन करने की उनकी सिलसिलता लगभग 15 से 20 बार अप डाउन करना, और दोस्त एक दिन जब उनके अप डाउन का जो रेशो होता है, एक केंचुआ लगभग दोस्त 8 से 10 फुट जमीन के डीप नीचे चला जाता है, एक बहुत ही, क्योंकि खेती को क्या करता है दोस्त, भुसभुसाहित करने का काम करता है, स्ट्रांग नहीं बनने देता है, इससे अपना पीएच दर बेस्ट रह सकता है। साथ साथ दोस्त इनके बहुत सारे बेनिफिट है, जो कि कीटकनाशक होते हैं, रूट्स होते हैं, रूट जो फलों की, उनको जो कीटक होते हैं ना, क्या होता है उनको खराब करने में संयोग में रहते हैं, मगर वो जब केचुए अगर खेती में होंगे ना तो उस रूट्स को खराब नहीं होने देते, इसलिए दोस्त किसान का फ्रेंड कहा जाता है, अनमूल्य केचुए होते हैं दोस्त खेती के अंदर। और दोस्त ये न होने की वजह से कहीं ना कहीं दोस्त केमिकल की उन्नति ज़्यादा, आज रासायनिक खाद हम खेती में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे फसल में भी लॉस हो रही है, और साथ ही साथ दैनिक जीवन शैली में भी इसका परिणाम आपको नजर आएगा। अगर किया जाए WHO के रेशो के अनुसार, जो कि एज की रेशो हम अगर बात करेंगे दोस्त, यहाँ पे 1960 के माध्यम से जो हमारे पिताजी दादाजी हुआ करते थे, तो उनकी उम्र तकरीबन 90 साल से ज़्यादा थी, 100 से अधिक भी थी। वही हम 1980 में अगर एंट्री देखेंगे तो लगभग दोस्त वहाँ पे 70-80 हो चुकी, वही अगर हम 1980 बाद 2000 में देखें तो कहीं ना कहीं दोस्त 50-60 पे आ गई। आज 2020 का रेशो हम अगर उस थोड़ा सा चेक कर कर देख लेते दोस्त, वहाँ पे रेशो आया 45-50 पे, कहीं ना कहीं दोस्त केमिकल की प्रगति हो चुकी है, और ये यहीं पर अगर स्टॉप नहीं हुआ तो दोस्त केमिकल एक बहुत बड़ी रूप धारण कर लेगा, इसका परिणाम दोस्त बहुत सारे, आप कुछ समय यहाँ पर रासायनिक खाद की चीज़ भी समझ सकते हैं कि एक दिन हमारे सिस्टर हो या जो भी हमारे रिलेटिव महिला है, उनकी घर घर में डिलीवरी हुआ करती थी, मगर आज नहीं है। वास्तविकता क्या है दोस्त, बढ़ता हुआ केमिकल, और इसको रोकने के बहुत जरूरी है दोस्तों। एक ऑर्गेनिक प्रोडक्शन दोस्त, जिस प्रोडक्शन की मैं रिलेटेड डिस्कस आपके बीच में करना चाहूँगा दोस्त, बैक्ट हीट ऑर्गेनिक प्रोडक्शन दोस्त वायरस, अब ये क्या क्या रोल अदा करेंगे इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं दोस्त। तो सर्वप्रथम बैक्ट हीट जो एक क्रांतिकारी और प्राकृतिक व्हाइट साइड है, कि जिस तरह से दोस्त ऑर्गेनिकली प्रोडक्शन में अपना रोल अदा करता है, जिसमें दोस्त कई बार क्या होता है फसल के ऊपर टिक्का रोग आ जाता है। अब ये टिक्का रोग क्या है, टिक्का रोग दोस्त जब ये मूंगफली का एग्जांपल हमें हम लेंगे, मूंगफली है, और मूंगफली की जो पंतियाँ होती है ना, उस पर आपको ब्लैक 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 डॉट्स दिखाई देंगे, और डॉट्स धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट होंगे, फसल को खराब करना स्टार्ट कर देंगे, और उसी समय दोस्त आपको वहाँ पे बैक्टीहिट जो वायरस हैं, यहाँ पर फाइटोटॉक्सिन का ये शानदार ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, आप इसका स्प्रे कर कर वहाँ पर और उस रोग को रोका सकते हैं, अगर रोग बढ़ता रहा तो आपकी फसल को वेस्ट कर डालेगा। साथ ही साथ दोस्त में नेक्स्ट अगर बात करूँ तो इसमें भी एक वेल्ट सेट रोग है, ये ज़्यादा बैक्टीरिया का प्रमाण होने की वजह से होता है, जिस समय ज़्यादा बैक्टीरिया खेती के अंदर आपको नजर आएगा, वेल्ट सेट रोग आपकी फसल को पूरी तरह से नष्ट प्रभाव खत्म करने में, और हम सभी किसान फैमिली से हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं दोस्त इस फसल जो भी रोग से आ रहे हैं उनको प्रतिबंध तुरंत रोका जा सके और फसल को वेस्ट किया जा सके। तो इसमें नेक्स्ट अगर बात करूँ तो जड़ सड़न एक रोग है दोस्त, जड़ सड़न रोग की एक ऐसी है दोस्तों जो कि रूट होती है, जड़ों को ही खराब कर डालता है, और जड़ें खराब कब होती है पता है दोस्त, जिस समय ज़्यादातर खेती में फसल छोटी छोटी होती है, और ज़्यादा अगर
अब वहाँ पे कहीं ना कहीं वाटर का भी जो ज़्यादा हो जाने की वजह से भी कभी कभी जल सड़न हो सकती है, तो नियमित से वहाँ पर वाटर खेती के अंदर होना भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उसमें यहाँ पर एक और बात करूँ तो जड़ सड़न यानी ज़्यादा बैक्टीरिया ज़्यादा कीटकनाशक अगर खेती में होते हैं जो कि रूट्स को ज़मीन से भी तो डेफिनेटली ख़राब करने की परिशील में रहते हैं, उनसे भी जड़ सड़न और जड़ में जो प्रोटीन चाहिए जो भी उनके अन्न पाचन क्रिया जो फसलों की होती है वो बनाने के लिए सूर्य किरण से जो बनाना स्टार्ट, जो रूट स्ट्रांग नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी जो ऊपर की अब फसल है वो बेस्ट नहीं बन पाएंगी। और दोस्तों उसके लिए उस जड़ सड़न का भी कहीं ना कहीं तो समाधान निकालने का हमें तुरंत उसके ऊपर जड़दाई का स्प्रे भी करने की जरूरत होती है। तो साथ ही साथ और एक इसमें बहुत सा यहाँ पर एक रोग है दोस्त जो कि ज़्यादातर क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा कि फल सड़न भी होती है, कई बार फल सड़न होती है क्यों आप देख पाते हैं कि फल तो लगी हुई है मगर अंदर से सड़ गई है। दस प्रोटीन मिनरल्स और सही ढंग से विटामिन की कमतरता होती है उस फसल को। और दोस्त कहीं ना कहीं आप ये सब कुछ चीज़ें NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और दे सकते हैं। और दोस्त इसी के साथ इसको और फल जड़न की जो फल सड़न हो रही है अंदर से वो रोकने के लिए भी दोस्त बैक्टीहिट वायरस बहुत जरूरी है। देखो तभी फल जड़न होती है कि छोटी छोटी कीटनाशक हमें दिखाई तो नहीं दे रहे हैं मगर फलों को दोस्त अंदर से खराब करने के अपना रोल अदा कर रहे हैं, तो उस समय दोस्त बैक्टीरिया वायरस को आपको स्प्रे करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्त यहाँ पर होता है कि हम ज़्यादातर देख पाते हैं कि ये ज़्यादातर कौन कौन से फसल पे होंगे, दोस्त ये ज़्यादातर उन्हीं फसल पे होंगे कि जैसे मैं अगर यहाँ पे अगर बात करना चाहूँगा तो मूंगफली, इसमें मूंगफली का बहुत इस पर ज़्यादा बैक्टीरिया आपको तुरंत 30-40 दिन के बाद ही रहे, जब फसल आपने लगाई है 30-40 दिन के बाद आपको ज़्यादातर तो बैक्टीरिया वहाँ पे आपको दिखाई देंगे दोस्त। साथ ही साथ मूंगफली हो कपास हो धान धान पे भी होता है दोस्त, साथ ही साथ सोयाबीन ज़्यादातर दोस्त कहीं ना कहीं हम विलेज से संबंध रखते हैं तो सोयाबीन जैसे पिक का हम ज़्यादा फसल लगाते थे, या क्या होता है 20-25-30 दिन के बाद दोस्त ये रोग जैसे मैंने बात किया था आपको टिक्का रोग जरूर आपको नजर आएगा, जो बैक्टीरिया धीरे धीरे ब्लैक टिप्स बढ़ते रहेंगे उसके ऊपर, तो उसको रोकने के लिए आपको जरूर बैक्टीहिट वायरस का स्प्रे जरूर करने की जरूरत है दोस्तों। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ फल सड़न भी होती है और साथ ही साथ जड़ सड़न, ये सब ज़्यादा बैक्टीरिया के प्रमाण बढ़ने की वजह से होती है और ये भी दोस्त सही समय पे हमें स्प्रेस करने की ज़रूरत होती है। सोयाबीन हो दोस्त मिर्ची हो, साथ ही साथ दोस्त क्या होता है भिंडी भी हमारी तरह विलेज में ज़्यादा लगाई जाती है, टमाटर जैसे फसलों की ज़्यादातर फलों की इस्तेमाल खेती में किया जाता है दोस्त, इनके ऊपर भी आपको ज़्यादा प्रमाण पर दिखाई देगा, केरेला हो ककड़िया हो और तरबूज के ऊपर भी आपको दिखाई देगा दोस्त, क्योंकि जड़ से होती है ना रूट उसके ऊपर तो ज़्यादा बैक्टीरिया होने की वजह कहीं ना कहीं सड़ जाता है, पता चलता है उसकी ग्रोथ नहीं इतनी हो पा रही है। और साथ ही आलू हो जीरा इत्यादि फसलों के ऊपर से फफूंद ये जो रोग होते हैं इनका तीव्र के लिए दोस्त ये बैक्टीरिया का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब ये बैक्टीरिया क्या है तो इसको क्या शानदार तरीके से हम इसका बेनिफिट ले पाएंगे, तो बैक्टीरिया से यानी बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए जो एक वायरस जो टॉनिक है ये है दोस्तों, ये जो बैक्टीरिया नाम देने का आप देख पा रहे होंगे फसल के यहाँ पर शानदार तरीके से देख पा रहे होंगे इस इमेज को कि देखिए एक संरक्षण करता है प्रोटेक्ट आपकी जो भी फसल है उस फसल को प्रोटेक्ट के लिए भी वर्कआउट करने का दोस्त, और जो भी वायरस है उस वायरस को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए दोस्त प्रोडक्शन है बहुत ही शानदार प्रोडक्शन है और शानदार मात्रा में दोस्त इस प्रोडक्शन की निर्मित हो चुकी है। आप इस प्रोडक्ट को ज़्यादातर दोस्त इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त बेस्ट इमल्सिफायर है इसके अंदर, साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और सोया ऑयल भी है दोस्त इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में है दोस्त, और 100% दोस्त बेस्ट क्वालिटी की शानदार मात्रा प्लांट मैन्यूर फॉर वायरस ये प्रोडक्शन दोस्त। साथ ही साथ दोस्त इस प्रोडक्ट को हम किस तरह से स्प्रेस कर पाएंगे इसके स्प्रे करेंगे इसके बारे में जानते हैं। जो स्प्रे के लिए दोस्त आप 1 लीटर पानी की मात्रता के लिए दोस्त 3 या 5 ml इसको आप यूज कर सकते हो, और एक बात का जरूर ध्यान रखें जिस समय आप इसको स्प्रे के लिए ले रहे हैं तो इसको आप दोस्त जरूर हिला के लिए ताकि यहाँ पे पूरी तरह से मिश्रण हो जाए, और उसके बाद आप इसको खोल सकते हैं और 5 मिली या 5 मिली बेहतर रिजल्ट के लिए आप उस वाटर में डाल सकते हैं। 1 लीटर के लिए 5 मिली का इस्तेमाल, 3 या 5 मिली का, और ज़्यादा अगर लीटर की जो आपकी स्प्रे करने की जो भी टंकियाँ होती है क्षमता होती है स्प्रे करने की जो भी आपके पास होता है तो आप उसके हिसाब से लीटर के हिसाब से इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्त मैं आप यहाँ पर बात आती है कि प्राइस की,
दोस्त फाइटोएटोमी एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी है, साथ ही साथ सही प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं प्रदान करती है। कहीं ना कहीं दोस्त इस प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ दोस्त, मात्र 1 लीटर की मात्रता में अवेलेबल दोस्त ये प्रोडक्शन, और रियल टाइम में इतना लाभदायक प्रोडक्शन है दोस्त, जिसकी प्राइस है मात्र 575 रुपीज़, यानी 575 आरएस, और शानदार तरीके से रिजल्ट आए कि 1 लीटर की मात्रता में। तो आप जरूर बेस्ट देन बेस्ट अपने जो खेती की जो फसल है उसकी प्रोटेक्ट करें, शानदार रिजल्ट के लिए बेस्ट शानदार प्रोडक्शन है। और आपको अधिक डिटेल तक लिए, जहाँ भी आपको अधिक डिटेल चाहिए आप जरूर संपर्क करें, कॉल करें, मगर ऑर्गेनिक खेती का आरंभ स्टार्ट कर दें, ताकि फसल भी बेस्ट आए, कम खर्च में अनाज भी बेस्ट आए। दोस्त एक कसम, एक कदम हमारा कहीं ना कहीं, एक ट्रस्ट हमारा कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि हम जो फसल लगा रहे हैं, कम अनाज और कम खर्च में अनाज ज़्यादा कैसे आए, इसके ऊपर एक विजन हमें रखने की ज़रूरत है। मतलब शानदार प्रोडक्शन है, आपको अधिक डिटेल तक जरूर मेरे संपर्क हैं, आप संपर्क कर सकती हैं, इसके ऑर्डर भी आप बेस्ट तरीके से लगा सकती हैं। और जरूर देख आप शानदार, जहाँ जहाँ आपको कहीं ना कहीं और अधिक डिटेल चाहिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हो, होम केयर प्रोडक्शन हो, हेल्थ केयर प्रोडक्शन हो, रियल लाइफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, हर चीज़ों के लिए आप हमें संपर्क कर सकती है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद ऑल ऑफ यू।